हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सरोज प्रजापति और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप ऑनलाइन अपने मोबाइल से, अपने एंड्रॉयड मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र से कैसे राशन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और क्या कुछ करना है आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के अंत तक। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली आपको करना क्या, आपके मोबाइल में जो आपका एंड्रॉयड मोबाइल है उसमें आपका जो क्रोम ब्राउज़र है वो अवेलेबल होना चाहिए। या फ्रेंड्स, आपका जो एंड्रॉयड मोबाइल है उसमें क्रोम ब्राउज़र होना चाहिए। और बाय द वे, आपको करना क्या है, आपको क्रोम ब्राउज़र पर जाना है। क्रोम ब्राउज़र पर जाने के बाद आपको सिंपली आपको क्या कर देना है, यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट, तो सिंपली यहाँ पर टिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद उसके बाद फ्रेंड्स जो मतलब इसका जो इंटरफेस है जो वो ये डेस्कटॉप मोड में खुल के आ जाएगा। और बेसिकली आपको क्या करना है, गूगल पे टाइप करना है जाके झारखंड राशन कार्ड तो देखिए फ्रेंड्स, आप जिस भी स्टेट से हैं, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट का आप इसमें मतलब जैसे कि मैंने लिख दिया कि सिंपली ये बहुत सिंपल तरीका है फ्रेंड्स, जैसे मैंने लिखा झारखंड राशन कार्ड, आप उसी प्रकार से लिख सकते हैं कि आपका अगर अदरवाइज है यूपी, मतलब अगर आपका यूपी है, बिहार है, तो इस टाइप का लिख सकते हैं बिहार राशन कार्ड। तो मेरा बेसिकली है झारखंड, तो मैं लिखूँगा डायरेक्ट झारखंड राशन कार्ड डाउनलोड। ठीक है फ्रेंड्स, एंड देन आपको क्या करना है, सर्च पे क्लिक कर देना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, इसका जो इंटरफेस है कुछ इस टाइप का खुल के आएगा। तो सबसे ऊपर वाले जो ऑप्शन है कुछ झारखंड गवर्नमेंट पीडीएस सिस्टम एससीसीसी, तो सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। आपका जो भी स्टेट है वो यहाँ पर कलेक्ट हुए मतलब शो करेगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है एंड देन आपका ये पूरा सबमिट करना है। ये जो जितना फॉर्म है, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक या फिर जो भी है, डीलर वगैरह, राशन कार्ड नंबर, तो सिंपली आपको क्या करना है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो से आपको चूज करके सेलेक्ट कर देना है। तो जैसे मेरा जामताड़ा, तो जामताड़ा मैं सीधे सेलेक्ट करता हूँ। मेरा ब्लॉक जो है वो विद्यासागर है, करमाटाड़ विद्यासागर, तो मैं सीधे करमाटाड़ विद्यासागर करता हूँ। एंड देन देखिए फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, आपका जो विलेज है, विलेज पे आपको क्लिक करना है। विलेज पे क्लिक करते ही आपका एक ऑप्शन खुल के आएगा, देन आपको क्या करना है, विलेज पे क्लिक करना है और जो भी आपका विलेज है यहाँ पर शो करेगा। और सिंपली से आपको क्या कर देना है, उस विलेज के नाम पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आपका जो पीएस नंबर है वो अगर मांगेगा आपके पास है तो सिंपली यहाँ पर कलेक्ट कर दीजिए, और अगर नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए। एंड देन आपको क्या करना है, जो आपका राशन कार्ड नंबर है वो आपको इसमें टाइप करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो राशन कार्ड है वो मैं टाइप कर देता हूँ यहाँ से, सिंपली से टाइप तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपना राशन कार्ड नंबर टाइप कर दिया। एंड देन आपको यहाँ पर एक कैप्चा मिलेगा, कैप्चा को भी टाइप कर देना है। तो सिंपली यहाँ पर देखिए कैप्चा का जो ऑप्शन है वो है BD6 & then 3B एंड आपको क्या करना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं और आपका जो राशन कार्ड का ऑप्शन है वो आपका पर्ची खुल के आ जाएगा। सिंपली से यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये आपका खुल के आ गया। तो सिंपली आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इस वाले ऑप्शन को, आपका राशन कार्ड का जितना भी मेंबरशिप आपका इस राशन कार्ड में जुड़ा हुआ है वो आपका पूरा इसमें शो करेगा। तो फ्रेंड्स, इस टाइप का आप राशन कार्ड अपने ऑनलाइन मोबाइल से ही डाउनलोड कर सकते हैं और इसे मतलब PDF फाइल में भी रख सकते हैं या फिर प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स, ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और इस टाइप का आप राशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐसे ही नई नई टेक्निकल के बारे में वीडियो मतलब देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो मिलते अगले नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, और बताइएगा ये वीडियो कमेंट्स करके कि कैसा लगा। तो मिलते अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।